नमस्ते। सेकंड ईयर के बच्चों, जेनेटिक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी। जेनेटिक्स का क्या मतलब है और क्यों जेनेटिक्स हम पढ़ना चाहते हैं, और जेनेटिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स के लिए हम लोग ये भी देखते हैं कि जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो हेरिडिटरी मटेरियल का काम करते हैं, और ये हमेशा क्रोमोसोम्स हैं जो हमारे आनुवंशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पहले जाते हैं। हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स होते क्या है। क्रोमो मीन्स एक कलर्ड बॉडी है, क्रोमो मीन्स कलर्ड और जोम मीन्स बॉडी। अगर हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो सबसे पहले ये इंटरफेस पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मिलते हैं, और जब हम इनके बारे में आगे हम देखते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इंटरफेस के अंदर जाकर के इंटरफेस से फिर प्रोफेस के अंदर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके सेंट्रोमियर से जुड़े हुए क्रोमेटिड्स के अंदर बन जाते हैं, और बाद में हम देखते हैं कि ये प्रोफेस और मेटाफेस में जाकर के क्लियर कट स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। अभी हम लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑफ क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो ऊपर की तरफ ये वाला स्ट्रक्चर है, इस क्रोमोसोम्स की रोड लाइक स्ट्रक्चर, और इसके चारों तरफ ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री को पेलिकल फॉर्म की होती है। ये पेलिकल फॉर्म मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, और इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। जब हम इस क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सेंटर में इसके अंदर एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। इस प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और जब हम देखते हैं कि इसके दोनों तरफ दो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट है, और ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट जिसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर यानी न्यूक्लियस लगा हुआ होता है। जब हम इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो ये गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये गोलाकार स्ट्रक्चर जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। इस सैटेलाइट को अगर हम कहते हैं तो इसमें साइनोथाइमो एसिडो होता है। और अगर हम ये सैटेलाइट की बात करें कि ये क्या काम करता है, ये सबसे पहले हमारे जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करते हैं। और ये सैटेलाइट के बाहर अगर हम इस दूसरे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन है, और इस सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर एक छोटा सा ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि छोटा क्रोमोसोम्स बना हुआ है, इसको हम कहेंगे टीलोमियर। अब ये जो टीलोमियर है, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन सेकंड कॉन्ट्रैक्शंस के बाद में छोटा टुकड़ा लगा हुआ होता है गुणसूत्र का, जिसको हम टीलोमियर कहेंगे। और ये टीलोमियर का मेन काम है कि पोलराइजेशन को निश्चित करना। दूसरा काम होता है कि गुणसूत्रों को आपस में जुड़ने से रोकना। तो ये टीलोमियर, और टीलोमियर एक काम और करता है, एजिन को भी डिसाइड करता है। जैसे जैसे ये टीलोमियर की साइज़ छोटी होती जाएगी, हम एजिन यानी हम अपनी एज बढ़ती जाएगी, तो जीर्णता को डिसाइड करने का काम ये टीलोमियर्स करता है। अब हम इस क्रोमोसोम्स के अंदर की तरफ चलेंगे तो इस क्रोमोसोम्स के अंदर की तरफ ये जो है वो मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ये मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो डीएनए और आरएनए यानी क्रोमेटिन फाइबर्स, दो क्रोमोनीमेटा भरा हुआ होता है। दो क्रोमोनीमेटा कुंडली के आकार के टीलोमियर से लेकर के सेटेलाइट तक फैले हुए रहते हैं। अगर हम इस कुंडली के आकार के क्रोमोनीमेटा की तरफ जाते हैं तो इसमें छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कुंडली बना करके ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम ये कुंडली नुमा स्ट्रक्चर को हम क्रोमोमर कहेंगे। अब ये क्रोमोमर और ये कुंडली नुमा दो क्रोमोनीमेटा मिल करके एक क्रोमेटिड फाइबर अंदर की तरफ बनाते हैं, और ये दो क्रोमोनीमेटा पूरे टीलोमियर से नीचे की तरफ फैला हुआ है। अब इसी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो ब्लू और रेड कलर के फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं इनके कुंडलन के आकार बताए गए हैं। अगर हम वापस आगे की तरफ चलते हैं तो ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, ये लाइट माइक्रोस्कोपी से हमें दिखाई देता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो फिर हम बाद में ये भी कहेंगे कि ये क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। क्रोमोसोम्स यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी पढ़ेंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स की जो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं